आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा अखिलेश यादव। जनता निराशा है, दिल्ली में किसान धरने पर बैठा है, हाल ही में जो भी परीक्षा हुई है सब में पर्चा लीक हुआ है और सरकार पर बड़े आरोप लगे हैं, जगह जगह पेपर लीक हुआ है। किसान धरने पर है 60 लाख नौजवान, केवल एक पुलिस भर्ती के लिए आ गया हो तो आप सोच सकते हैं यूपी में क्या हालात हैं। इन्वेस्टमेंट के नाम पर वही कुछ लोगों को बुला लेना और मीडिया मैनेजमेंट करना और जनता में संदेश देते हैं बहुत बड़ा निवेश यूपी में आ रहा है। निवेश के कार्यक्रम में कहना पीएम और सीएम हो, देश के मंत्री हो और भरोसा दिलाए तो आज 7 साल बाद सरकार को बताना चाहिए कि उनके निवेश के आने से कितने नौजवानों को नौकरी मिली है और कितना निवेश। कार्यकर्ता नेताओं से भी मुलाकात हो गई और इनका नुकसान ये हुआ, इन्हें भोजन दो बार बनवाना पड़ा, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ इनका। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जिस तरीके से जनता निराश है, दिल्ली में किसान धरने पर बैठा है, हाल ही में जो भी परीक्षा हुई है सब में कहीं ना कहीं पर्चा लीक हुआ है और बड़े पैमाने पर सरकार पर आरोप लगे हैं, सोशल मीडिया देखें और कुछ अखबारों को हम देखें तो किस तरीके से जानकारी और सूचनाएं मिल रही हैं कि जगह जगह पर पेपर लीक हुआ है। सोचिए, किसान धरने पर हो, 60 लाख नौजवान लगभग, केवल एक पुलिस भर्ती के लिए आ गया हो उत्तर प्रदेश में, तो सोचिए उत्तर प्रदेश में क्या हालत है। और निवेश के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर वही कुछ लोगों को बुला लेना, मीडिया मैनेजमेंट कर देना और जनता में ये संदेश देना कि बहुत बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है। निवेश के कार्यक्रम में जहाँ प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री हों, देश के मंत्री हों और ये भरोसा दिलाएं कि निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है, तो कम से कम अब 7 साल बाद सरकार को बताना चाहिए कि उनके निवेश के आने से इतने नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिली है और इतने रुपए का निवेश जमीन पर पहुंच चुका है। लगातार सरकार झूठ बोल रही है और जो चंडीगढ़ में हुआ है, ऐसे बोर्ड की लूट कहीं नहीं देखी होगी, जहाँ सुप्रीम कोर्ट के भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो संदेश आया है, जो जिस तरह से बातें हम और आपने देखी और सुनी है, सोचिए क्या ये चुनाव हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी वोट को नहीं लूट रही है? ये भारतीय जनता पार्टी दल नहीं है, एक गैंग टाइप बन करके काम कर रहा है। और समय समय पर हम लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी दल नहीं है, ग्रो है और कोई भी काम करा सकते हैं। जब एक अधिकारी से वोटों में हेर फेर हो सकती है, खुलेआम सीसीटीवी पे देखा। मैं बधाई देना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को, जिसकी वजह से कम जनता के सामने सच्चाई आई है। और बधाई उन लोगों को भी दूंगा जिन लोगों ने आखिरी वक्त तक वो लड़ाई लड़ी। अगर वो निराश हो जाते, चाहे वो आप दल हो, कांग्रेस हो या और दल हो, जिनकी लड़ाई की वजह से कम भारतीय जनता पार्टी का ये जो चेहरा है वो बाहर आ गया कि किस तरीके से दल नहीं, एक गिरोह के रूप में काम कर रहे हैं। अंत भला तो सब भला, क्या समझे? तो आप समझदार हो? सर, गठबंधन होगा या नहीं? सीट शेयरिंग को लेकर होगा, विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। जॉर्ज पांडे जी ने कहा है बीएसपी के लिए कि उनके लिए अब ये बात सब पुरानी हो गई। अरे हमारे पत्रकार साथी कितनी पुरानी बातें बता रहे हो, मैंने आपसे क्या कहा? कितना अच्छा सवाल पूछा, कितना अच्छा जवाब दिया मैंने, और उसी में से आप सब कुछ निकाल लो। आपकी पार्टी का अंत भला तो सब भला। सलीम शेरवानी ने समाजवादी पार्टी छोड़ने की बात करी है और वो कह रहे हैं कि पीडीए को जो है बर्बाद कर दिया है, पीडीए में कुछ नहीं है। अखिलेश यादव मेरी आपका नाम लेकर के निशाना साहब, कोई बात नहीं, ये राजनीति में कई ऐसे मौके आते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि लोगों को जोड़ना, लोगों को साथ लाना। अगर पार्टी में कहीं कुछ नहीं कभी दे पाए तो समय आने पर बहुत से लोगों को
देने का काम पार्टी करेगी काम सम्मान किसान तो किसान आंदोलन चल रहा है किसान दिल्ली कूच के लिए जा रहा है फिर से क्या असर रहेगा कांग्रेस से गठबंधन नहीं हो पाता ये क्यों सोचते हो आप मैं कह रहा हूँ पत्रकार साथी क्या बात मैंने कही उसी में से सब कुछ निकाल लो और दो घंटे बाद सब पता लग जाएगा जहां कांग्रेस अपनी सीटें मांग रही थी वहां तो आपने घोषणा कर दी अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ